दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लक्की बर्ड्स लवर। और आज मैं आपको अपने डायमंड डव की ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कराने वाला हूँ। देखिए, आप एग सेल पड़े हुए हैं तो यहाँ पर चिक्स हमारे डायमंड डव ने निकाल दिए हैं। देखते हैं, फीमेल बैठी है, ये देखिए आप, चिक्स हमें दिख गया है तो थोड़ा सा फीमेल को हटा लेते हैं। देखते हैं एक निकाला है चिक्स या दोनों निकाल दिए है। दो एग डायमंड डव देते हैं, देखे आप, दोनों एग से चिक्स बाहर आ गई है और काफ़ी अच्छे ये लग भी रही है और काफ़ी अच्छा जो है इनकी ग्रो भी लग रही है। आप देखे, इसके रोए से आप पहचान सकते हैं। तो इस तरह से देखे आप, काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी हेल्दी है ये। तो मैंने आपको हाथ में भी उठाकर दिखाता हूँ, तो देख लीजिए आप, ये हमारे डायमंड डव का एक पेयर है। पिछले महीने ही हम इस पेयर को लेकर आए थे कॉलोनी में, तो इसकी अपडेट भी मैंने आपको दे दी थी। तो देख लीजिए आप, जो ये सिल्वर कलर में है ये मेल है और जो ये ब्राउन कलर में ये फीमेल है। तो आते ही हमारे यहाँ पे इस पेयर ने ब्रीड शुरू कर दी थी और देखिए आप, फिर से फीमेल टोकरी में आ गई है। तो अब आपको हाथ में भी उठाकर दिखा देते हैं चिक्स को, और देख लीजिए दोस्तों आप, कितना हेल्दी ये लग रहा है। और शायद ये फीमेल ने 2-3 दिन पहले ही निकाल दिया था, पर मुझे आज ही इसका पता चला है। काफ़ी शानदार तरीके से इस पेयर ने हमारे यहाँ पर ब्रीड शुरू कर दी है। तो यही होता है जब आप अपने बर्ड की अच्छे से केयर करते हैं, सीड मिक्स खाने के लिए अच्छे से देते हैं, अच्छे से अपने बर्ड की देखभाल करते हैं। काफ़ी अच्छी हेल्थ इसकी लग रही है, तो आगे की अपडेट भी आपको इसकी मिलती रहेगी। फिर से इसे टोकरी के अंदर ही रख देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी, वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। और देखिए आप, फिर से मेल और फीमेल दोनों टोकरी के अंदर ही आ गई है। दोनों बारी बारी से अपने चिक्स को फीड भी कराते हैं और अच्छे से अपने चिक्स का ख्याल भी रख रही है। तो ये हमारी डायमंड डव की ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली वीडियो थी। तो आपको कैसी लगी है आप कमेंट कर ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो चैनल पर आती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।